अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, देखो ऑनेस्टी और उसमें समझते हैं फर्क, ऑनेस्टी वर्सेस इंटीग्रिटी। फिर इसके बाद अपन देखेंगे इंटीग्रिटी और प्रोबिटी में क्या डिफरेंस होता है। अब एक चीज समझना, एक मैं लिखता हूं यहां पे इंटीग्रिटी और एक लिखता हूं मैं यहां पे ऑनेस्टी। पहली बात तो ये समझ लो कि इंटीग्रिटी एक बड़ा टर्म होता है ना, इंटीग्रिटी बड़ा टर्म होता है और यहाँ पे छोटा सा टर्म होता है ऑनेस्टी, है ना। तो इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी आ ही जाती है, पहला ये समझ लेना, है ना। ये क्या है, इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी, और ये क्या है, ऑनेस्टी है, ठीक। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के अंदर ही आती है, ठीक। पहला अब डिफरेंसेस समझते हैं। पहला क्या होता है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है ना, और ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है। अब कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूं, पहले इनमें कुछ मेन डिफरेंस होते हैं वो मैं लिख दूं आपको तो आप समझ जाओगे, ठीक है। यहां पे क्या होता है, पैसिव रोल होता है, पैसिव रोल होता है। यहां पर एक्टिव प्लस पैसिव, एक्टिव रोल होता है ना। प्लस ये क्या होता है, एक चीज और समझ लो, हाँ अब मैं डिफरेंस समझ देता हूँ फिर आपको इन सब चीजों को क्लियर कर देता हूँ। एक चोर है, ठीक है ना, मतलब चोर क्या है, आप हो, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने मान लो कि भाई घर से पैसा चोरी किया, ठीक है ना, आपने घर से पैसा चोरी किया, उसका जाकर के बाहर उड़ा दिया, और क्या किया, बाद में आपको लगा कि यार मैंने गलत कर दिया क्या, तो आपको लगेगा कि आपने गलत कर दिया, और आप जाकर के घर में आपसे जब पूछा गया कि भाई पैसा चोरी हो गया है क्या, आपने चोरी किया है क्या, तो आपका मन इतना मतलब विचलित हो गया कि आपने बोला हाँ मैंने किया, तो आप क्या हो यहाँ पर, ईमानदार हो, समझ में, तो मतलब क्या हो रहा हो, आप मतलब सत्य के साथ खड़े हो, तो इसको क्या बोल देंगे हम, आप ऑनेस्ट व्यक्ति हो, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैंडिंग विद द ट्रूथ, स्टैंडिंग विद द ट्रूथ, मतलब जो सही था उसके लिए आप खड़े थे, चोरी हुई थी आपने की थी, आपने बोल दी चोरी हुई थी तो मैंने की थी, ठीक है, तो आप क्या हो, ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है ना। अब अदर वे में आओ, इंटीग्रिटी क्या हो, आपको पता है कि चोरी करना गलत है तो आप चोरी करोगे ही नहीं, समझ में आ गया ना, तो आप देखो बता रहा हूं, आप ईमानदार हो तो जरूरी नहीं है कि आप इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हो। चोर को भी लगता है कि वो अच्छा व्यक्ति है, चोरी करता है वो, है ना, जब उससे पूछा जाता है किए हो क्या चोरी, तो बोल देता हाँ, तो वो ईमानदार तो है बट इंटीग्रिटी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंटीग्रिटी है, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, तो वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, कभी भी गलत काम नहीं करेगा, यही तो मैंने आपको बताया था। उसके पास क्या होता है, उसमें मैंने बताया था ना कि भाई वो गलत, ना तो गलत करेगा और ना तो करने देगा, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या बताया मैंने, यहाँ पर अपराइटनेस होती है ना, यहाँ पर ऑनेस्टी प्लस अपराइटनेस होती है, ऑनेस्टी तो है आपके अंदर प्लस अपराइटनेस है, हमेशा आप उसके साथ खड़े रहोगे, है ना, तो ये याद रख लेना, ठीक। तो मतलब एग्जांपल समझ में आएगा ना, ऑनेस्टी डिफरेंट चीज है ना। ऑनेस्टी में मतलब क्या होता है, बस जो क्या होता है ना, जैसे कि एग्जांपल दिया कि भाई आपने पैसा चोरी कर लिया है ना, तो अब वो ऑनेस्टी कैसे डिसाइड होगी कि वो सही में वो चीज बता पाता है कि नहीं बता पाता, अगर बता देगा तो ऑनेस्ट कहला जाएगा, है ना। ट्रैफिक सिग्नल आपने तोड़ा, पुलिस पकड़ी आपसे पूछ रही है कि भाई तूने तोड़ा है क्या ट्रैफिक सिग्नल, तो आपने बोल दिया हाँ भाई मैंने तोड़ दिया, ठीक है ना, तो ये क्या कहला जाएगा, आप ऑनेस्ट। लेकिन अब मैन ऑफ इंटीग्रिटी दूसरा व्यक्ति वहां पर खड़े रहेगा, वो कभी भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या, वो क्या है, मैन ऑफ इंटीग्रिटी है और मैन ऑफ ऑनेस्ट, वो एक ऑनेस्ट मैन होगा, एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं। अब दूसरा देखो, एक ऑनेस्टी जो होती है एक्टिव रोल को इंडिकेट नहीं करती है ना, ऑनेस्टी डज नॉट इंडिकेट, डज नॉट इंडिकेट एक्टिव रोल, एक्टिव रोल को नहीं बताती है ना। कैसे, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, करप्शन हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो, है ना, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं भाई, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करना तुम करो, तो यहां पर आप पैसिव हो, है ना, पैसिव। बट एक्टिव कब होगा, एक्टिव तब होगा जब एक तो वो करे नहीं, है ना, और दूसरों को भी ना करने दे, है ना भाई। कई बार देखोगा आपके कुछ दोस्त होते हैं, है ना, कोई गलत चीज होती है वो तो खुद नहीं करते,
प्लस आप लोगों को ये भी यही एडवाइस देते हैं कि भाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मैन है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव रूल आता है। एक्टिव रूल का मतलब समझ में आ गया ना, जो बताया था, खुद तो करेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है, समझ में आ गया, और इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मतलब एक जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, एक तो वो गलत करेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं करने लगेगा, मतलब नहीं करने देगा, ठीक है ना। ठीक, मतलब क्या होता है, मैन ऑफ इंटीग्रिटी एक तो रेजिस्ट करता है रॉन्ग प्रैक्टिस को, ठीक है ना, प्लस उसका एक्टिव रोल होता है, दूसरों को भी वो एनकरेज करता है कि आप अपराइटनेस के साथ रहो, ठीक है ना। करप्शन का बोल दिया मैंने आपको एग्जांपल, मतलब ये मोर एक्शन ओरिएंटेड होता है ना, ये करने पर ज्यादा बल देता है, ये थ्योरी है, समझ रहे हो। मैं ईमानदार हूं, मतलब मैं गलत नहीं करूंगा, और मैंने अगर गलत किया तो मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा, अगर गलत है तब भी मैं पनिशमेंट झेलने के लिए सही हूँ, सज्ज हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ऑनेस्टी आ गई, और ये हो गया इंटीग्रिटी हो गई, ठीक है ना। तो इंटीग्रिटी से आप बताओ, अगर मेरे को टेस्ट करना है आपके बिहेवियर को, है ना, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है ना, इसका बिहेवियर का टेस्ट होना है, टेस्टिंग बिहेवियर, तो मैं इंटीग्रिटी को चूज करूंगा कि मैं ऑनेस्टी को चूज करूंगा। तो देखो यहाँ इंटीग्रिटी से हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर का, ऑनेस्टी से हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, वी कैन नॉट टेस्ट बिहेवियर, क्योंकि भाई वो चोरी कर लेगा और बोल देगा कि मैंने किया है, तो बिहेवियर उसका, वो चोर तो है ही, है ना, है ना। लेकिन एक इंटीग्रिटी व्यक्ति ना तो चोरी करेगा ना तो दूसरों करने देगा, तो उसका बिहेवियर आसानी से हम चेक कर सकते हैं ना। तो भाई टेस्ट ऑफ बिहेवियर क्या हो जाता है, इंटीग्रिटी से टेस्ट ऑफ बिहेवियर होता है, और ऑनेस्टी से हम उसका बिहेवियर नहीं टेस्ट कर सकते। बिहेवियर की जब मैं बात करता हूँ तो एथिकल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एथिकल बिहेवियर। हाँ, तो हम ऑनेस्टी कैसे टेस्ट करते हैं, फिर हम ऑनेस्टी टेस्ट करते हैं उस व्यक्ति के रिस्पॉन्स से, ठीक है ना। जैसे कि अब मान लो करप्शन हो रहा है ना, तो वो खुद नहीं कर रहा है ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है करप्शन को, तो ये तो उसका ऑनेस्टी हो गया, ठीक है ना। लेकिन इंटीग्रिटी कब होगी, जब वो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ दूसरों को करने भी नहीं देगा, तब वो क्या कहला जाएगी, वो कहला जाएगी आपकी इंटीग्रिटी, ठीक। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, आप एक चीज समझो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, ये बड़ा वाला डायग्राम, ये छोटा वाला डायग्राम, ठीक, ये इंटीग्रिटी है, ये ऑनेस्टी है, ठीक है। मतलब ऑनेस्टी छोटा सा चीज होता है, इंटीग्रिटी से बड़ी चीज, ऑनेस्टी में कुछ और चीज जोड़ दो, जैसे अपराइटनेस जोड़ दो, अनकरप्टिवनेस देख दो, विदस्टैंड होगा वो वैल्यूज को इन डिफिकल्ट सिचुएशन में, तब वो क्या कहला जाएगा, इंटीग्रिटी कहला जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो, अब एक चीज समझाता हूं मैं आपको, इश्यूज ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज देख लेते हैं। इश्यूज ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, ठीक। अब देखो, ऐसा बोला जाता है कि ये जो सिविल सर्विसेज है, क्या इश्यूज है, मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव चीजें समझ रहे हैं, समझ में, ये सिविल सर्विसेज ने जैसे जैसे टाइम बीता ना, टाइम बीता, तो वैसे वैसे क्या है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इंटीग्रिटी होने लगा। ये हम कैसे बोल सकते हैं, ये हम कुछ एग्जाम्पल से बोलते हैं, है ना, जैसे कि नेक्सस, इन नेक्सस हो गया, नेक्सस करप्शन, करप्शन होता है पूरा नेक्सस बना रहता है, बोलते हैं ना कि भाई साहब से लेकर के नीचे तक, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर से लेकर नीचे, पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ आता है करप्शन का, एक के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही करप्ट हो चुका रहता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत बार क्लेम किया जाता है, जैसे पुलिस वाले में, पुलिस में ऐसा क्लेम करते हैं ना कि भाई जो पुलिस में बड़े बड़े साहब अधिकारी लोग होते हैं, वो जब पैसा चाहिए रहता है उनको, तो वो नीचे ट्रैफिक में सिग्नल में खड़ा कर देते हैं, तो वहां से पैसा जाता है, ठीक है ना। और वो ऊपर लेवल पे आपको पता है कि भाई बोला जाता है ऐसा कि ये जो IPS वगैरह होते हैं, और इसके बाद ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके बीच में कितना हाईली नेक्सस रहता है, कितनी जान पहचान रहती है,
मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड जो होते हैं इनसे काफी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक्सस होता है, खूब पैसा सर्कुलेट होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग करप्शन के कारण। दूसरा होता है मिसयूज ऑफ पावर, इंटीग्रिटी में मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगी, लेकिन क्या होता है आज के जमाने में मिसयूज ऑफ पावर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन लीक होने लगी है ना, लीकिंग इंफॉर्मेशन, भाई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेकिन वो लीक हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये सब के कारण करप्शन और ब्राइबरी के कारण। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है ना, जबरदस्ती में गलत मिसयूज करना, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया ना, ह्यूमन राइट वायलेशन बढ़ रहा है, पुलिस कस्टडी में देख लो आप, ठीक है ना, पुलिस का बिहेवियर देख लो, वहां से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, फेक एनकाउंटर्स बढ़ गए हैं, है ना, ठीक। फिर ये जो इनोसेंट पीपल्स होते हैं उनके खिलाफ रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू इनोसेंट पीपल्स, है ना, फेक एनकाउंटर लिख दो, आर्बिट्ररी इशू ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब ये सारी चीजें आप लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये है आपका, इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, इन सब चीजों के कारण लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हुई है एज अ सिविल सर्विसेज, ठीक है ना, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे समझना, अब देखो ये इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी लॉस या तो ये दो चीज पर होगा, एक होगा इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल की मतलब एक दो ऑफिसर जो है वो करप्ट है, और एक दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब समझ रहे हो, पूरा का पूरा सिस्टम है ना, यहां पर इंडिविजुअल है, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट भाई, ये है अगर तो इस, ये तो डिफिकल्ट नहीं है, है ना, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, है प्रॉब्लम तो है बट मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ हम इसको टैकल कर सकते हैं, बट ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो मतलब ये बिग कंसर्न, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल ही, पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहां पर तो चेंज कर सकते हो, है ना, इजी टू चेंज भाई, एक दो को पनिशमेंट दे दो, एक दो के यहाँ छापेमारी कर दो, बाकी सब आराम से लाइन में आ जाएंगे, लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट होता है ना, जब पूरा का पूरा सिस्टम की इंटीग्रिटी चली जाती है, तो ये वेरी डिफिकल्ट टू चेंज हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, है ना। और सोचो उस सिस्टम में जो भी काम कर रहे होंगे ना, या तो वो आदमी, जैसे मान लो कि भाई 100 लोगों का सिस्टम है, 100 लोग उसमें काम करते हैं उस सिस्टम में, और दो लोग उसमें से ईमानदार व्यक्ति हैं, इंटीग्रिटी है, ईमानदार भी नहीं, चलो इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, तो अब वो दो व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप उसी में एब्जॉर्ब हो जाओ उस सिस्टम में जैसा वो चल रहा है, या तो आप वहां से निकल लो। कैसे निकलोगे, या तो आपको मर्डर करवा दिया जाएगा, या तो आपको फंसा करके आपके जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो बिठवा दी जाएगी, या फिर आपको साइड कर दिया जाएगा कैसे ना कैसे करके। इसको बोलते हैं इधर एब्जॉर्ब और पेरिश, या तो आप एब्जॉर्ब होगे या तो आप पेरिश हो जाओगे, ठीक है ना। वहां पे कब, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जब इंटीग्रिटी लॉस होती है, जैसे कि करप्शन होता है, ठीक है ना, ठीक। अब देखो ऐसे गांधी जी भी बोलते हैं, गांधी जी का व्यू क्या है इंटीग्रिटी के प्रति, इंटीग्रिटी, तो वो भी एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी की कल्पना करते हैं। गांधी जी क्या बोलते हैं, अगर ये इंटीग्रिटी है, ये आएगा इंडिविजुअल लेवल पर, इन इंडिविजुअल एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इसके कारण क्या बनेगा, सोचो सब व्यक्ति अगर इंटीग्रल रहेंगे, है ना, इंडिविजुअल मतलब इंटीग्रिटी रहेगी उनके अंदर, तो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनेगी, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, जब एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनेगी तो हर एक आदमी एक एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी जिसके पास क्या होंगे, ह्यूमन कैपिटल होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल, मतलब समझ रहे हो, इंसान, ऐसे इंसान एकदम सच्चरित्र वाले इंसान,
ठीक है ना, एकदम सत्यनिष्ठा वाले इंसान जो ईमानदारी से काम करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर अगर इंटीग्रिटी होगी तो आपके अंदर क्या होगा, ड्यूटीफुलनेस होगी, है ना। और सोचो ऐसे कितने लोग, अगर आपकी सोसाइटी में ड्यूटीफुलनेस होंगे तो आप एक स्ट्रांग नेशन बना पाओगे कि नहीं। स्ट्रांग सोसाइटी बनेगी, स्ट्रांग सोसाइटी से एक स्ट्रांग नेशन बनेगी, समझा क्या। तो मतलब इंटीग्रिटी क्या है, एक टूल है किसके लिए, फॉर स्ट्रांग नेशन, समझा क्या। तो ये है गांधी जी का व्यू किसके प्रति, इंटीग्रिटी के प्रति। तो इंटीग्रिटी में आपको मैंने बता दिया कि भाई इंटीग्रिटी में क्या वो है, इश्यूज है, ठीक है। इश्यूज भी देख लिए हम लोगों ने और ये भी देख लिया। अब देख लेते हैं अपन, थोड़ा और देख लेते हैं इसमें कि अब इनको एड्रेस कैसे करोगे, है ना। हाउ टू एड्रेस, हाउ टू एड्रेस दीज वैल्यूज, मतलब दीज इश्यूज। इश्यूज जैसे कि मैंने बताया ना कि करप्शन बढ़ते जा रहे हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, ये सब चीजें, ये जिसके कारण लॉस ऑफ इंटीग्रिटी होती है ना, ये सब चीजें, नेक्सस मिसयूज, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं सही। तो एक बात बताओ, याद करो मैंने क्या बताया था, इम्प्रूविंग गवर्नेंस। कैसे, गवर्नेंस में बताया था ना, कुछ भी चीज हो, किसी पे भी लगाम लगानी हो गवर्नेंस में, तो आप क्या कर दो, थ्रू एआरटी मैकेनिज्म बताओ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी ला दो डिसीजन मेकिंग में, है ना। जैसे कि जो भी वो कर रहा है सामने वाला ऑफिसर्स, तो वो सबको दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे आरटीआई लाओ कि आप ये फाइल क्लियर किए हो, किस वजह से किए हो, है ना। मतलब बताया था ना ट्रांसपेरेंसी पूरा पढ़ा हम लोगों ने, आरटीआई एक्ट पढ़ा है, ये सब चीजें लाओगे तो जब आरटीआई एक्ट आएगा तो उस व्यक्ति को पता होगा ना यार मैं गलत करूंगा तो कल तो मेरे को इसमें वेबसाइट में डालना ही पड़ेगा, और फिर वहां पे कोई पकड़ लिया कुछ कर लिया तो फिर मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगी, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप जो भी करोगे उसके प्रति जवाबदेही होगी आपकी, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये भी मैंने आपको खूब डिटेल में ये सब चीजें समझा दी है ना। ये तीनों चीज मैंने आपको गवर्नेंस में अच्छे से, इन सबके ऊपर दो दो तीन तीन लेक्चर लिए हुए हैं इनके एग्जाम्पल दिखाकर, तो इसके द्वारा आप बता सकते हो ना। ये तो आप, मेरे को पता है कि ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी, ठीक है ना, अगर आपने गवर्नेंस अच्छे से पढ़ा है तो। मैंने बार बार बोला हूँ कि भाई एथिक्स पढ़ने से पहले गवर्नेंस तैयार रखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अगर इनको प्रमोट करोगे आप तो उन इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट लो, मिनिमाइज कर दो डिस्क्रिशन को, है ना, मिनिमाइज कर दो डिस्क्रिशन को। डिस्क्रिशन जैसे मैंने बोला ना, कुछ पावर होती है जैसे डिसीजन मेकिंग के समय में, उसमें कुछ बहुत सारा डिस्क्रिशन दे दिया जाता है इन सिविल सर्वेंट्स को। जब सिविल सर्वेंट्स को बहुत सारा डिस्क्रिशन दे दिया जाता है तो फिर वो अपने डिस्क्रिशन का आर्बिट्ररी एक्सरसाइज और मिसयूज करने लगते हैं। मतलब अब उस आपके ऊपर है भाई फाइल क्लियर करना है कि नहीं, तो फिर अब सामने वाला मजबूर होगा कि आपको पे करने के लिए, या फिर आप उसको मजबूर करोगे आप पे करो मेरे को, तो फिर इसके कारण क्या हो रहा, दिक्कत हो रही। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए क्या करो, आप ऑटोमेशन को प्रमोट करो। ऑटोमेशन मतलब मशीन के द्वारा काम करवाओ ना ज्यादा से ज्यादा, ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन का जरूरत नहीं है वहां पर क्या कर दो आप, मशीन से मतलब कंप्यूटर ओरिएंटेड काम करवा दो। तो वहां पर फिर क्या होगा, जैसे कि फॉर्म भरना, अब सोचो अगर एक सरकारी ऑफिसर होता उसके पास फॉर्म भरने जाते तो पहले उसको तेल लगाओ कि भाई भर दे, 200 रुपए ले लेना मेरे से, वो बोलता कि नहीं 500 रुपए दे तब भरूंगा, तो वो क्या, अब आप फॉर्म ऑटोमेशन हो गया भाई, आप उसके पास जाओ सीधे कंप्यूटर में, उससे सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरो, सबमिट कर दो। मतलब एक जो इंटरमीडियरी होने वाला था वो नहीं है अब, है ना, एक जो ह्यूमन होने वाला था वो नहीं है, सीधा मशीन और आप और सरकार। तो आपने क्या किया, ऑटोमेशन कर दिया, ठीक है। जैसे कि अब एक चीज और, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, पहले कितने सारे बिचौलिए होते थे, उनसे होकर के आता था तो पैसा नहीं आता था, अब बिचौलिया हटा दिया गया, सीधे अकाउंट में आपके ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बीच का जो इंटरमीडियरी है वो खत्म, ज्यादा पैसे आते हैं, ठीक। तो मिनिमाइज कर दो आप डिस्क्रिशन का, ठीक है ना। प्लस क्या होता है, प्रमोट करो कोड ऑफ कंडक्ट को, एथिकल कोड को, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। ये सब क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है
है ना, ये सब चीजें आगे आपको समझ में आएगी बहुत, ठीक है ना। अभी आगे मैं इन सबको एक सेपरेट ही टॉपिक दिया आपके में, ठीक है ना। मतलब ये अभी के लिए समझ लो, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये होता है, रूल्स होते हैं ये, जिनके आधार पर ये क्या करते हैं, काम करते हैं, कौन, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट समझो, इंटीग्रिटी पैक्ट को प्रमोट करना, है ना, प्रमोटिंग इंटीग्रिटी पैक्ट। ये मैंने आपको गवर्नेंस में एक 20 से 25 मिनट समझाया था इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है ना। इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था ना कि मान लो कि भाई कोई भी, जैसे डिफेंस डील साइन करती है सरकार यहां से और फ्रांस से, इन दोनों की कंपनी में डिफेंस डील हुई, तो अब इस डिफेंस डील में कोई करप्शन ना हो, कुछ वो ना हो, इसके लिए इंटीग्रिटी पैक्ट करते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे, है ना, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे इसमें, कितने का डील होने वाला है, क्या माध्यम होंगे, सब कुछ पूरा इंटीग्रिटी पैक्ट करते हैं। और उसके बाद उसके मान लो कि भाई उसमें पूरा बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होगा, इतना क्लियरिटी होगा, पूरा एक पैक्ट तैयार किया जाता है। वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था इंटीग्रिटी पैक्ट जब गवर्नेंस कर रहे थे, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस से यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, वहां से जाकर के आप समझ लेना, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रिटी पैक्ट करोगे तो क्या होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगी हर चीज, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लो, चौथा पॉइंट मतलब होता है ये जो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन होते हैं, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हो गई आपकी सीवीसी हो गई, सीबीआई हो गई, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, इनको क्या करना है, आपको फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, है ना। इनको अब जैसे लोकायुक्त हर स्टेट में नहीं है, या फिर लोकपाल जैसे पहले नहीं था, और कुछ ऐसी बॉडीज जो कि ढंग से काम नहीं करती, उनको आप क्या करो, स्ट्रेंथन करो, ऑपरेशनलाइज करो, समझा क्या, ये करो, ठीक है। तो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस जो होती है इनको स्ट्रेंथन करना है, प्लस क्या करना है, फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी है, फंक्शनल ऑटोनॉमी, ठीक, ये सब चीजें देनी, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं आपको, नेक्स्ट जो होता है पांचवा, ठीक है ना, पांचवा होता है जैसे प्रमोट करो आप, प्रमोट कल्चर ऑफ रिस्क टेकिंग, है ना, रिस्क टेकिंग मतलब थोड़ा सा सिविल सर्वेंट को ना इनोवेटिव होना चाहिए, है ना। अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सिविल सर्वेंट क्या होता है, साइलोज में काम करती है, मतलब बंद कमरे में काम करती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कमरा क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन का, उनको उतनी ज्यादा क्या नहीं होती, इनोवेटिव नहीं होती, तो उनको इनोवेटिव करो। इनोवेटिव ऐसा करना है कि वो विलफुल एरर ना करे, समझ गए ना, विलफुल एरर ना करे, बोनाफाइड एरर हो, मेलाफाइड ना हो, है ना, मन से वो गलत ना करे, वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म करे, उसमें गलती हो जाए, है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अनुसार वो क्या करें, परफॉर्म करें जो भी काम है, है ना, उसमें अगर गलती हो जाती है तो फिर उनको पनिश वगैरह ना किया जाए। लेकिन अगर इसको बोलेंगे बोनाफाइड एरर होना, मतलब वो काम तो सच्चे मन से कर रहा था लेकिन गलती हो गई तो वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, तो इसलिए आप उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो। और वहीं पर जो मेलाफाइड है, मेलाफाइड मतलब जानबूझकर विलफुल एरर है, तो फिर वहां पर आप क्या करो, उसको पनिश करो, मतलब मिनिमाइज करना है आपको, क्या विलफुल एरर कम से कम करें लोग, है ना, ये आपको इंश्योर करना है, विलफुल एरर ना करें, है ना, मतलब बोनाफाइड एरर हो उसको प्रमोट करें, ठीक है ना, ये चीज आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, इनोवेटिव आएगा, तो इससे जो वो जो इनएफिशिएंसी आ रही थी वो सब नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर प्रमोट कर सकते हो आप, परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर, ठीक है ना। जैसे कि कई लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको प्रमोट करो, समझ में क्या, रिवॉर्ड करो उनको, है ना, जैसे कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट ले दो, ठीक है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, पॉलिटिकल, गुड पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, गुड पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब समझ गए ना, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स वगैरह, उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इनकी फंक्शनिंग में, इनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ठीक है ना, इनमें करप्ट मतलब इनके बीच में नेक्सस, मतलब जो रॉन्ग वे में नेक्सस होता है वो नहीं होना चाहिए, है ना, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इनको, तो ये सब चीजें हो सकता है, गुड पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, आठवां देखो, जो ये एंटी करप्शन लॉस है, एंटी करप्शन लॉस,
पहला एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन देखे ना, अब एंटी करप्शन लॉज है प्लस एंड कंडक्ट रूल जो होते हैं, कंडक्ट रूल्स, इनमें जो कमियां है ना उनको क्या करो आप रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करो। ये सब करप्शन में पढ़ा है हम लोगों ने पहले, ठीक है ना, कि कैसे करप्शन को कम करा जा सकता है। वो वाला एंगल आप वहां से एक बार थोड़ा सा समझना, उसको आप एक बार वहां से देख करके क्लियर करना, ठीक है ना। करप्शन वाला लेक्चर जरूर देखना, इसमें से बहुत सी सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है और वहां से आप इसको बेटर तरीके से इंटीग्रेट करोगे। ये वाला जब आप पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ वो वाला जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रिटी एज अ टॉपिक है वो हम लोगों ने देख लिया, इंस्टीट्यूशन लेवल पर क्या गड़बड़ी है वो हमने समझ लिया, कैसे उसको एड्रेस करना चाहिए वो हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं प्रॉबिटी क्या, ठीक है ना, प्रॉबिटी कैसे इससे डिफर करती है, ठीक। अब इसको समझो प्रॉबिटी क्या है।